एनडीए की शुक्रवार को हुई बैठक में ये तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि अभी सांसदों में रेलवे, डिफेंस, विदेश जैसे मंत्रालयों को बांटा जाना बाकी है। इस बीच ये खबर आ रही है कि मोदी 3.0 को अहम समर्थन देने वाली टीडीपी पार्टी स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय के साथ साथ स्पीकर पद भी चाह रही है। तो आइए जानते हैं स्पीकर के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जो टीडीपी इसकी मांग कर रही है। टीडीपी का लोकसभा स्पीकर का पद मांगना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, तब भी टीडीपी के ही एक सांसद जीएम बाल योगी स्पीकर की कुर्सी पर थे। ये पद उन्हें वाजपेयी सरकार ने दिया था। कहते हैं कि बतौर स्पीकर जीएम बाल योगी के फैसले के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव में मात खा गई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीकर चुने कैसे जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं। नए लोकसभा के गठन से ठीक पहले, यानी लोकसभा की पहली बैठक से पहले, पुराने स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में संविधान अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। पारंपरिक रूप से प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन के लिए चुनकर आए सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर ही सदन की पहली बैठक संचालित करता है और दूसरे सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही स्पीकर का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष पद का जिक्र है। गठन होने के बाद लोकसभा सांसद जल्द से जल्द अपने से दो सांसदों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनते हैं। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से ठीक पहले तक होता है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि स्पीकर का काम क्या रहता है। देखिए, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उनको यह सुनिश्चित करना होता है कि सदन की बैठक का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और इसके लिए वो निर्धारित नियमों के तहत कार्यवाही भी करते हैं। इसमें सदन को स्थगित करना या निलंबित करना शामिल है। बैठक एजेंडा क्या है, किस बिल पर कब वोटिंग होगी, कौन वोट कर सकता है, जैसे तमाम मुद्दों पर अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होता है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी स्पीकर का ही होता है। जब सदन चल रहा होता है तो सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी पार्टी से जुड़ा ना होकर बिल्कुल निष्पक्ष होता है। तो आइए जानते हैं स्पीकर का पद देने से क्यों कतरा रही है बीजेपी। लोकसभा स्पीकर के पास काफी ताकत होती है, लेकिन सिर्फ इसे वजह से बीजेपी स्पीकर पद को टीडीपी देने से नहीं झिझक रही है। दरअसल साल 1999 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव हारने में टीडीपी के स्पीकर की काफी अहम भूमिका रही थी। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। कहा जा रहा था कि वो सदन में बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस के सांसद गिरधर गमांग ने खेल पलट दिया। गिरधर गमांग वैसे तो कांग्रेसी सांसद थे, लेकिन फरवरी 1999 वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था और वो 17 अप्रैल को लोकसभा में पहुंच गए। अब ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष को फैसला लेना था कि कांग्रेस सांसद को वोटिंग का अधिकार मिलेगा या नहीं। स्पीकर जीएम बाल योगी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रूलिंग दी कि गिरधर गमांग अपने विवेक के आधार पर वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस के गमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया और इस एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तब सरकार के पक्ष में 269 वोट और खिलाफ में 270 वोट पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि स्पीकर का पद उसी के किसी सांसद को मिले।